यूपीएससी ने रिटर्न रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। फाइनल सिलेक्शन नहीं है बट रिटर्न को क्लियर करना ये पहला स्टेप होता है। आप सब जानते हो कि रिटर्न का बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है मेरिट लिस्ट के अंदर। रिटर्न में अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपका रिकमेंडेशन होना जो है वो लगभग तय हो जाता है। ये बात याद रखिएगा अगर एसएसबी के अंदर आपके नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो भी रहे। शुरुआत से मुख्तसर मैं हमारे सारी फैकल्टीज आपको एक चीज बताते हैं कि इस पूरे सफर के अंदर पहले जब हमारे लेक्चर्स होते हैं, मैं अभी भी जानता हूँ इस चीज को, जब भी हमारा पहला लेक्चर होता है सर का, मेरा, राहुल सर का, दूसरे फैकल्टीज का, वो आपको दो बातें बताते हैं। पहली चीज वो आपको ये कहते हैं कि इस पूरी जर्नी के अंदर कई फेसेस ऐसे आते हैं जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं जब आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, बट जब आप लो फील करें तो ये याद करना कि जर्नी को शुरू क्यों किया था। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो करती है सर कंसिस्टेंसी। जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सारी डीपीपीस को सॉल्व करना है, सारे नोट्स को सॉल्व करना है, सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, आप खुद के नोट्स बनाइए, सर इन बच्चों ने ये सारी चीजें फॉलो करी, दैट्स व्हाई इसका परिणाम ये निकला है